अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाकई से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग उर्दू में और इंग्लिश में सब सब्जेक्ट्स की हेडिंग कैसे दे सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। इस तरह में सबसे पहले मैं हेडिंग दे रही हूँ इंग्लिश की। तो आप देख सकते हैं मैंने कट मार्कर को किस तरह से पकड़ा हुआ है। अगर आपको कट मार्कर पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है तो आप लोग बस इतनी सी निशानी रखिए कि इसकी जो उनसी नोक वाली साइड है, ये देखिए ये नोक वाली साइड इसकी जो उनसी है, ये आपके थंब के साइड पे हो। और जिस टाइम अगर आपने देखना है कि आपने सही मार्कर पकड़ी है तो बस इतनी निशानी रख लीजिए कि जब आपने मार्कर पकड़ी हो और आप ऐसे एक दफा कीजिए तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल लाइन आनी चाहिए। मतलब ये कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन ना हो, ये बिल्कुल लाइन जिस टाइम आप देखें ना, ये मैंने लगाया है तो ये बिल्कुल मैंने सीधी लाइन, ये देखें सिर्फ आपने ऊपर रखना है, लाइन नहीं खींचनी, सिर्फ आपने ऐसे करना है तो ये सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब मैंने मार्कर ठीक पकड़ी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे रही हूँ इंग्लिश की, यहाँ से मैंने फुल जोर लगाया और आप देखें, और अब जौन सा है मैं इसमें सिर्फ नोक यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मार्कर को मैंने मोल्ड किया था, मतलब आपने मार्कर को इतने ज़ोर से भी नहीं पकड़ना, आपने बिल्कुल आस्था से पकड़ना है ताकि आप इजीली से फोल्ड मूव कर सके। और अब मैंने सब यूज़ किया है, जैसे फिर से मैं नोक यूज़ कर रही हूँ, देखिए अब एन मैं इस साइड से नोक के दबाव से लिखी हूँ और अब मैंने सारा डाला है। तो ये देखो मैंने इंग्लिश लिखा है और इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स लिख रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसका फुल, और अब मैं मार्कर को देखिए मैंने इधर इस तरह से पकड़ा था, अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बोल दिया है, ज़्यादा नहीं मोड़ा, थोड़ा सा। तब फिर ये देखिए ये मैथमेटिक्स से लिखा है और अब मैं लिखने लगी हूँ बायोलॉजी। ये देखिए मैंने दोबारा से नोट यूज़ किया, अगर आप चाहें तो आप ये वाला जी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और अब हम फिजिक्स सीख रहे हैं, तो ये देखें कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक दूसरे के साथ लफ्ज जुड़े हो, लेकिन ये लास्ट ही नहीं है। ये देखें जिस टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपके वो खुद ही, ये देखिए मैंने ऐसे किया तो ये लग रहा है कि ये नेक्स्ट वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बस प्रैक्टिस कीजिए और फिर ये खुद ही इस तरह से लिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मैंने नोक यूज़ की और अब मैं सारा यूज़ करके ये डाला है। ये देखिए मैंने केमिस्ट्री लिखा है और अब हम उर्दू की बात करते हैं। उर्दू में आपने ध्यान रखना है कि मतलब जिस तरह इंग्लिश में हमने ऐसे करके लगाया तो इक्वल आया, और अब इंग्लिश में आप उर्दू में आपने इस तरह से मार्कर पकड़नी है कि आप ऐसे करें तो ये मतलब बिल्कुल ना सीधी सी लाइन लगे। ये देखें आपने लाइन नहीं लगानी, सिर्फ ऐसे करके देखें, देखें बिल्कुल सीधी लाइन लगी है, इसका मतलब हमने मार्कर ठीक पकड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ मुताले पाकिस्तान,
हमने पहले पाकिस्तान लिखा है और अब हम लिखे हैं इस्लामियात। अब हम उर्दू लिखते हैं। तो फिर से थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को ये पसंद आई है, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।